नमस्कार। तो आज अपन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन में। तो सबसे पहले आप कोई भी स्ट्रैटेजी लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको स्ट्रैटेजी सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते कि अच्छी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते कि वहाँ पे स्ट्रैटेजी की लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते कि बैंक निफ्टी और स्टॉक्स रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज है, आप जरूर देख लेना। तो बात करते हैं सेल स्टॉक की, तो सेल स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते कि 82.95 यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका था स्टॉक फ्राइडे के दिन में। 1% से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे हो चुकी थी, जैसे ओपन हुआ था स्टॉक स्टॉक में गिरावट हो चुकी थी। 83 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव बेस था, तो उस बेस पे यहाँ पे आप देख सकते कि स्टॉक सस्टेन था, पर एंड ऑफ द डे में देख सकते कि 83 के नीचे क्लोजिंग दे चुका था। मार्केट कैप 34,000 करोड़ की है। पी रेशो भी देखा जाए तो 15 का है, जो कि अच्छा है और डिविडेंड भी दे रहा है स्टॉक। देख सकते कि फ्राइडे के दिन यहाँ पे स्टील सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो फिर से एक बार 200 मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर का है उसी के नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है स्टॉक। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नीचे की तरफ 82 लेवल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन है स्टॉक के लिए। 82 to 80 लेवल तक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन है, तो स्टॉक यहाँ पे काफी दिनों से उसी लेवल के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है, मींस रेंज बाउंड सी मूवमेंट। वॉल्यूम्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे खासे नजर नहीं आ रहे। वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं तो स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है और ऊपर की तरफ जाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं पॉजिटिव वॉल्यूम्स आते हैं तो देख सकते कि कोई खास अपडेट है क्या रिगार्डिंग सेल स्टॉक? तो देख सकते कि कोई खास अपडेट नहीं। लैंप इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइजेस स्टेक इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सेल स्टॉक में LIC ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। ओके, अच्छी खबर है स्टेक होल्डर्स के लिए भी। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल के लिए।